हमारे दो मित्रों ने अर्थ में समय पर मुझे रानू से और मित्रों से कहना है कि समय का प्रबंधन कैसे होगा, ये एक बड़ी समस्या है। जब कार्यक्रम देखा तो हम बड़े उत्फुल्लित थे कि हमारे दो घंटे का सेशन है और इतना बड़ा विषय और इतना बड़ा इतनी परतों वाला एक तरीके से विषय है सांस्कृतिक विविधता और भारत जैसे देश में अब कितना न्याय हो पाता है। तो मेरे को भी एक तरीके की रिजर्वेशन करनी पड़ रही, क्योंकि दो जो वक्तव्य आपने सुने उनसे आपको साफ साफ लगा कि संस्कृति पर बोलना और सांस्कृतिक विविधता पर बोलना और वो भी भारत देश की विविधता पर बोलना, तो उसका एक एक स्लाइस इतना छोटा, इतना स्वतंत्र, इतना स्वायत्त है कि उसकी विशेषज्ञता आपको चाहिए। आपने देखा कि दो स्लाइस, एक भोजन को लेके और एक भक्ति मोमेंट को लेके, जो सर्वव्यापी भी है और कभी हाइबरनेशन में चला जाता है, कभी प्रकट हो जाता है, एक व्यापक तरीके से पूरी भारतीय संस्कृति की व्याख्या करने के लिए हमें और समय की और प्रतिभाओं की एक तरीके से जरूरत होगी। बहुत सारी चीज़ें मैं प्रोफेसर गणेश देवी के लिए छोड़ता हूँ और मैं एकदम से सिमट आता हूँ हिमालय में। मैं चाहता हूँ कि मैं हिमालय की सांस्कृतिक विविधता पर बोलूँ, लेकिन हिमालय इतना बड़ा है कि उस पर बोलने के लिए भी एक तरीके से अपनी औकात जो है लग रही नहीं कि उस पर बोला जाए इतने सालों के यात्राओं और उसके बाद, क्योंकि जो जो हम हिमालय में ज़्यादा जाते हैं और जो जो लगता है कि हम कितना कम जानते हैं और हम कितने अनपढ़ हैं हिमालय के संदर्भ में और ऐसे ही देश के संदर्भ में और संस्कृति के संदर्भ में भी कहा जा सकता है। कभी कभी ये भी लगता है कि उत्तराखंड को ही हम कितना कम जानते हैं। सुनाई दे रहा थोड़ा और? हिमालय के संदर्भ में भी हम अनेक बार सोचते हैं, हिमालय से सिमट के उत्तराखंड में आ जाते हैं तो उत्तराखंड के बारे में भी लगता है कि हम उत्तराखंड के लोग, जिनका अब एक नया राज्य भी हो गया है, हम लोग कितना कम अपने उत्तराखंड को जानते हैं। हम एक बगल के अंचल को नहीं जानते हैं, एक विधायक दूसरे चुनाव क्षेत्र को नहीं जानता है, चाहे भाषण देने के लिए वो दूसरे प्रांतों में जाना हो। और अनेक बार ऐसा लगता है कि बहुत सारे बहुत निर्णायक लोग कितने कम जानकार हैं और कितने अज्ञानी हैं बहुत संदर्भ में, और यही हिमालय के संदर्भ में। फिर भी मैं जोखिम उठा रहा हूँ कि मैं हिमालय के बारे में कुछ बातें आपको बताऊँ। मैं कहना चाहता हूँ कि संस्कृति देवताओं से नहीं उतरती है और न आसमान से उतरती है, संस्कृति आपकी मिट्टी से ऊपर को आती है। जुगुड़ी जी नहीं होते तो मैं उनको कोट करता, लेकिन अब हैं तो तब भी मुझे कोट करना चाहिए। ये मिट्टी ही है दरअसल जो हमें मिट्टी नहीं होने देती है, दरअसल संस्कृति मिट्टी से आती है। इसलिए संस्कृति का सबसे बड़ा आधार भूगोल है कि आप किस तरीके के भूगोल में, किस तरीके के संसाधनों में रहते हैं और वहां से आप उभर के आते हैं। देवता भी ऊपर से नहीं आते, देवता आप इन्वेंट करते हैं। जब आप पहली बार चंद्रमा में गए आपको कोई देवता मिला, कोई थान मिला, कोई राम मंदिर मिला? जब आप पहली बार अंटार्कटिका में गए कोई आपको बर्फ का देवता मिला? नहीं मिला। ये सब चीजें मनुष्य में आती हैं और मनुष्य मिट्टी से शुरू होता है। और हिमालय के संदर्भ में मैं कहूंगा तो यहाँ के भूगोल के जितने आयाम हैं वह हमारे हिमालय की सांस्कृतिक विविधता को बनाने वाले, निर्णित करने वाले एक तरीके से एलिमेंट है। चाहे इस हिमालय के भूगर्भ को आप देखें, उसके ऊपर जो पसरा हुआ भूगोल है, जो यहाँ के हिमोड़ हैं, ग्लेशियर हैं, दर्रे हैं, संगम हैं, बुग्याल हैं, खेती के इलाके हैं, नदी के पगड़ हैं, शेरे हैं, और उसके बाद उनमें मौजूद जो मनुष्य है वह इनसे प्रभावित होकर अपनी संस्कृति का, अपने देवताओं का, अपने संस्कृति के विविध आयामों का एक तरीके से निर्माण कर रहा है। जरा सी जब आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि म्यांमार से लेके अफगानिस्तान तक जो हिमालय की विविधता है भूगोल की और भूगर्भ की, उसने वनस्पतियों की रंगत को एक तरीके से तय किया है। एक और अरुणाचल प्रदेश है जहाँ 50% जंगल पसरे हुए हैं, और दूसरे छोर पर जब आप लद्दाख में आते हैं तो 3-4% ही भूगोल का ऐसा है जिसमें जीवन है, जिसमें हरियाली है, जिसमें मनुष्य है या जिसमें कोई वाइल्ड लाइफ है। तो इतनी विविधता इस हिमालय में मौजूद है और उसको भूगोल ने, चट्टानों ने, मिट्टी ने, और जो एक हलचल हो रही है क्योंकि नया पहाड़ है और उसके भीतर जो भी भूगर्भिक और टेक्टोनिक हलचल हो रही है उससे जनित जो चीजें हैं, तालाब का टूटना, ग्लेशियरों का
पिघलना, आगे को बढ़ना, नदियों में लैंडस्लाइड आना, नदी का रुकना, नदी में उसका बस्त होना, फ्लड्स का आना, ये सब एक तरीके से यहाँ के भूगोल को संचालित करते हैं और वो भूगोल फिर मनुष्य के जीवन को, उसकी पूरी जीवन पद्धति को, उसकी फसलों को, उसकी पूजा पद्धतियों को, उसके देवताओं को, उसके मकान बनाने की कला को, उसके गीत संगीत नृत्य को, इन सबको एक तरीके से प्रभावित करते हैं। पहली अवधारणा मैं ये बताना चाहता हूँ हिमालय के बारे में। अब हिमालय के भीतर आप जाएंगे तो खाली इको रीजन नहीं है, एग्रो इको रीजन है, ऐसा समाज है जो पश्चारक है। आज भी बहुत सारे समाज ऐसे हमारे यहाँ जो हंटर गैदरर बने हुए हैं, आज भी वो शिकारी संग्राहक है। आज माने की 2017 में 2018 में पश्चारक खेतीहर है, लेकिन हिमालय में किसी एक से काम नहीं चलता है, एक से जिंदगी नहीं बनती है। तो इससे आगे आप चले जाते हैं तो आप कुटीर उद्योगी हो जाते हैं, तमाम तमाम हैंडीक्राफ्ट के आप निष्णात व्यक्ति महिला पुरुष होने लगते हैं। और आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि इससे भी काम नहीं चलता है तो आप व्यापारी हो जाते हैं, आप पूरे ट्रांसहिमालयन ट्रेड के पायनियर बन जाते हैं। ये भी नहीं चलता है तो औपनिवेशिक शासक आते हैं तो पता चला कि आप एक माइग्रेशनल इकोनॉमी को संचालित करने लगते हैं, आप बाहर जाने लगते हैं, आप नौकरी में जाने लगते हैं, आप फौज में जाने लगते हैं। तो ये एक तरीके से इस आर्थिक से भी हमारी एक जो संस्कृति है उसको बनने का मौका, उसको प्रभावित होने का मौका, फलने फूलने या नष्ट होने का एक तरीके से मौका मिलता है। अब हिमालय के संदर्भ में ही जब आप देखेंगे एग्रो इको रीजन्स, फॉरेस्ट और वनस्पतियों के रीजन, बायोडायवर्सिटी के रीजन, तो उसके बाद आप एकदम से जब धर्म और संस्कृति की ओर आते हैं तो आपको लगता है कि हिमालय दुनिया का अकेला ऐसा पहाड़ है जो बहुधर्मी है, बहुसांस्कृतिक है, बहुभाषी है। और अगर फोकलोर के लिहाज से देखेंगे तो उसमें भी इतनी विविधता मिलेगी। अभी हम ठीक से उत्तराखंड की विविधता को नहीं समझ पाते, लेकिन अगर बहुत सारे जो काम हो रहे हैं, जैसे बायोडायवर्सिटी पर बहुत सारे काम हुए हैं, जैसे अंग्रेजों के जमाने से लेकर हमारे जमाने तक भूगोलविदों ने, भूगर्भविदों ने जो हिमालय की जियोलॉजी और भूगोल और संसाधनों पर लिखा है, या अभी जो कुमार सुरेश सिंह ने जिस तरीके से पीपल ऑफ इंडिया जैसी चीज की, या गणेश देवी जी के नेतृत्व में जो पीपल से लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के इंडियन हिमालय के जो वॉल्यूम आए हैं, उनको देखने के बाद लगता है कि कितना तो ऐसा पड़ा है जिसको हम जानते ही नहीं। भारत की संस्कृति का मुख्य दावेदार, मुख्य प्रवक्ता होने वाले लोग जो हैं, वो कितना कम अपने देश के बारे में, उसी तरीके से हिमालय के बारे में अज्ञानी हैं, कम जानते हैं। ये इन नए कामों को आने के बाद लगता है, और जो नई पीढ़ी अब नए काम लाएगी उससे शायद हम और ज्यादा जानने की एक तरीके से बात करें। धर्मों के बारे में आते हैं तो आप देखेंगे कि हिमालय में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, उसकी वैरायटी यहाँ मौजूद है, शाक्त हैं, शैव हैं, आप देखेंगे कि वैष्णव हैं, आप देखेंगे कि इनके बीच की बहुत सारी परतें हैं, आप देखेंगे जैन यहाँ पर हैं, आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म की बहुत परतें यहाँ पर मौजूद हैं, आप देखेंगे कि इस्लाम धर्म की बहुत परतें यहाँ पर हैं, कट्टर इस्लाम का रूप भी दिखाई दे रहा है, तो सूफी बहुत बड़ी परंपरा यहाँ है। और नॉर्थ ईस्ट तक जाते जाते आपको बिल्कुल एक दूसरा परिमार्जित किस्म का, नए किस्म का, और धर्मों के साथ और गैर धर्मों, यानी कि जो धर्म को न मानने वाले समाज हैं उनके साथ मिक्सिंग करने के बाद जो रूप बनता है उसको भी आप देख सकते हैं। तिब्बत की पट्टी भी हमारे साथ है, नेपाल और भूटान भी हमारे साथ है। अगर इस लिहाज से देखेंगे तो इतना बहुधर्मी पर्वत दुनिया में कोई और नहीं। आप उसको देख लीजिए, प्रीडोमिनेंटली क्रिश्चियन माउंटेन कह सकते हो, क्योंकि समाजों का जब विश्लेषण आप करने लगते हो, कुछ इंडिपेंडेंट लोग मिल जाएंगे, कुछ पुराने यूरोपीय धर्मों के लोग मिल जाएंगे। एंडीज और उसमें चले जाइए तो पुराना बहुत कुछ गुम हो गया है, रॉकीज में चले जाइए, अफ्रीका के माउंटेन्स में चले जाइए, वहाँ ये विविधता बनी हुई है, सेंट्रल एशिया बनी हुई है, लेकिन हिमालय में आप देखेंगे कि दुनिया का लगभग हर धर्म का प्रतिनिधि यहाँ आपको मिलता है, और कम से कम 5-7 धर्म बहुत डोमिनेंट तरीके से यहाँ है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये पर्याप्त नहीं है, हिमालय की धार्मिक विविधता को समझने के लिए ये बताना जरूरी है कि आज भी ऐसे लोग हिमालय में हैं जो किसी सांस्थानिक धर्म को नहीं मानते, जो अपने कपाल पर हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई या कोई और धर्मावलंबी होने का ठप्पा लगाने से आज भी इनकार करते हैं। ये ठीक है कि उनकी संख्या कम है, लेकिन उनकी संख्या अगर इतनी भी है तो वो इस तासीर को बताती है कि किस तरीके की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता आपके इलाकों में रही हो। बोनपा धर्म को मानने वाले लोग आज भी हैं, बोनपाओं से किस तरीके से बुद्धिज्म ने अप्रोप्रिएट की बहुत सारी चीजें और फिर बुद्धिज्म आगे बढ़ा, ये आप देख सकते हैं। बल्कि और अगर स्पष्ट तरीके से देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि पूरे हिमालय में कन्याकुमारी वहां से आपके कामाख्या देवी से लेकर वैष्णो देवी तक एक देवियों की जबरदस्त परंपरा आपको पूरे उसमें दिखाई देगी।
कब ये विकसित हुई, कैसे विकसित हुई, क्या क्या एलिमेंट इसमें आए अलग अलग माइक्रो कल्चर से, माइक्रो सोसाइटी से, ये एक गहरे अध्ययन की मांग करती है। ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि शिव जो है बड़े हिस्से हिमालय के बहुत बड़े हिस्से के देवनायक हैं, हीरो हैं। कभी कभी ये कहने को मन करता है कि शिव सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, शिव उस पॉपुलेशन के हैं जो इस हिमालय के चारों ओर विराजमान है, जिसने अलग अलग शताब्दियों में, अलग अलग सहस्त्राब्दियों में अलग अलग धर्मों को ऑप्ट किया और कहीं कहीं धर्मों का निषेध भी किया, उनको मानने से इनकार भी किया। उनका बड़ा प्रभुत्व है, बहुत सारे पीक्स उनके नाम पर हैं। आज भी हमारे कब्जे होने के बावजूद भी वो केदारनाथ में है, वो पंचकेदारों में है, वो आपको काठमांडू में मिल जाएंगे, वो कैलाश में मिल जाएंगे, लेकिन यात्रा करते हुए मुझे लगता है कि शायद शिव वहाँ नहीं है और शिव के स्पेस में हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जो अपने को उनका भक्त भी कहते होंगे, उन्होंने जबरदस्त इंक्रोच किया है और शिव शायद अंटार्कटिका की ओर चले गए हों या कहीं और जा रहे हों, ये एक व्याख्या हो सकती है। लेकिन बहुत डोमिनेंट तरीके से शिव आपको दिखते हैं। भीष्म आपको वैष्णवों की पट्टी दिखती है, एकाएक आपको पूरे उत्तराखंड में लगता है एक ही वैष्णव क्षेत्र है बद्रीनाथ, जैसे आप नेपाल में जाते हो तो मुक्तिनाथ मिलता है और आपको वैष्णव क्षेत्र बहुत कम मिलता है। एक राम मंदिर आपको मिल जाएगा तो देवप्रयाग में मिलेगा और जगह बाद बाद में चीजें आई हैं, नहीं आई। थोड़ी देर के लिए अभी रामलीला का और होली का जिक्र हुआ था, मिडिवल टाइम्स में, मिडिवल टाइम्स को 4-5-6-700 साल हो सकते हैं, उससे पहले जो 1500-2000-4000 साल से यहाँ समाज रह रहा था, जो गुफाओं में था, जिसने उस जमाने के रॉक शेल्टर बनाए, जिसने सबसे प्रारंभिक पत्थर के औजार बनाए, जिसने सबसे प्रारंभिक मेटल तांबे का इस्तेमाल किया, फिर लोहे का इस्तेमाल किया, उन लोगों की कोई इस तरीके की धार्मिक गुलामी नहीं थी, किसी एक धर्म से बंधे हुए नहीं थे, उनमें विविधता थी और अपने विकास के अनुरूप वो अपने देवताओं को निर्मित कर रहे थे। एक बड़ी मजेदार बात है, उत्तराखंड में पूरे हिमालय में ब्रह्मा विष्णु महेश के बिना काम चल सकता है, लेकिन आपके अपने लोक देवताओं के बिना काम नहीं चल सकता। आप उन्हीं की पूजा के लिए डर करके अमेरिका से, अफ्रीका से, नोएडा से और बम्बई से आते, पूरा कुलमा आता है आपका कि वो भूती न जाए, वो कहीं प्रतिपक्ष में न चला जाए, और उनको तो मना सकते हैं प्रतिपक्ष में जाने से, देवता को नहीं मना सकते हैं। ये जो देवताओं की विविधता है उसके संदर्भ में ये देखने की बात होती है।